कोरोना वायरस से देश में उत्पन्न संकट में भी कुछ पोर्टल के नाम से नौ सीखिया अपने स्वार्थ सिद्ध के सफल नहीं होने पर प्रशासन के कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी इस समय डबरा एसडीएम जयती सिंह जी के साथ हूँ। चूंकि इतने कार्य सेवा हो रही है और सभी प्रशासन अपनी अपनी जगह पर कार्य कर रहा है, जनता भी साथ रही, उस समय में कुछ नेगेटिव सोच वालों के द्वारा या उनके घर बैठे हुए कुछ ऐसे खबरें निकाली जाती हैं कि जो आगे चल के अभी और उसकी जांच की जाए तो काफ़ी वो नेगेटिव पन आता है और वो झूठ साबित होती है। ऐसी कल की एक घटना आई है, कुछ महिलाओं द्वारा डबरा तहसीलदार के वहाँ पे बैठ के सामने आई थी और कह रही थी कि हमने अन्य सामान नहीं मिलना, खाने का नहीं मिलना, लेकिन जब जाँच की गई और एसडीएम महोदय के द्वारा जब नियंत्रण में टीम गठित करती थी तो उनके घर पर काफ़ी सामान मिला और एक वो अफवाह से हुई। आइए एसडीएम मैडम को जी, जो कल की खबर आई है उसमें मैडम आपको क्या कहना? इसमें हमें जानकारी मिली थी कि कुछ महिलाएं आके हमारे जो कार्यालय परिसर है और जो अफसर कॉलोनी है वहाँ पर बैठी हुई हैं और उनका ऐसा बोलना था कि उनको उनके यहाँ जो राशन है वो खत्म हो चुका है और प्रशासन द्वारा उनका कोई सहयोग नहीं किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी क्योंकि हम लोग नियमित रूप से कम 3000 फूड पैकेट अपने जो विभिन्न सामाजिक ग्रुप हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से उनको वितरण करा रहे हैं। इसके अलावा कहीं भी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ कमी हो रही है तो हम लोग अपने लेवल पर ही उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस प्रकार की घटना सामने आई तो हम लोगों ने इसको चेक कराया। हमारी नायब तहसीलदार मैडम मौके पर गई और वहाँ पर पाया गया कि एक न्यूज़ यूट्यूब पर न्यूज़ चलाने वाले व्यक्ति द्वारा उन महिलाओं को भ्रमित करके यहाँ पर भेजा गया था। यह अत्यंत निंदनीय है क्योंकि आपने 12-14 महिलाओं को लॉकडाउन ब्रेक करने के लिए बोला, आपने उनकी पर्सनल लाइफ है उसको रिस्क पर डाला, आपने उस पूरे उनके परिवारों को रिस्क में डाला इस प्रकार से और उस पूरे कॉलोनी के ऊपर रिस्क में डाला। उनका संपर्क यदि किसी भी प्रकार से किसी भी संक्रमित व्यक्ति या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से हो रहा है तो उन महिलाओं का जीवन भी खतरे में है। और बाद में ऐसा पाया गया कि ऐसा कुछ था नहीं, ये एक मिथ्या रूप से उन्होंने एक फैब्रिकेटेड फैक्ट्स थे उसके आधार पर उनको भेजा था। तो ये गलत है बहुत और इस प्रकार की घटना से हम लोग का एक तो बहुमूल्य समय बर्बाद भी होता है और इससे जो वाकई जो हमारे नीडी हैं, बेनिफिशरीज हैं, फिर उनके ऊपर भी एक वैसा माइंडसेट क्रिएट होता है। तो इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग इसमें आगे भी लिख रहे हैं इसके विरुद्ध में। और मेरा निवेदन है कि कोई भी अफवाह मत फैलाइए, यदि आपको लग रहा है कि कोई भी परिवार है हमसे भी ओवरलुक हो गया है तो कृपया करके हमको बता दीजिए। हम लोग अपने लेवल पे जितना संभव प्रयास है उतना कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संकट के समय में उसको किसी प्रकार का कोई अभाव ना हो और जो सेशन बूस्टर्स की पूर्ति करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक और निवेदन लोगों से करना चाहूँगी कि आप इन लोगों के बहकावे में से मत आइए, आप अपने घरों में रहिए, आपका सुरक्षा ज़रूरी है। यदि इस सीमित पीरियड का लॉकडाउन है 14 तक आपके पास है पर्याप्त सामग्री तो कृपया करके आप इसका इस्तेमाल कर लें। और आपको लग रहा है तो हम लोगों ने कई सारे नगर पालिका में भी नोडल बनाया हुआ है, अन्य जगह भी नोडल हैं, हमारे कार्यालय में भी नोडल है, सारे नंबर हम लोगों ने विस्तृत रूप से पब्लिश करवाए हैं तो आप हमें बता भी सकते हैं। हर एक को हम लोग अटेंड कर रहे हैं, हमारा अपना कमांड कंट्रोल रूम है जिसमें हम लोग कैटर भी कर रहे हैं उनको, तो कृपया करके उन माध्यमों से हमसे रीच आउट कर सकते हैं। मैडम यह जो बात आई है क्या इस पर आगे एक एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, हम लोग जैसा मैंने बताया हम लोग इसमें एक्शन ले रहे हैं, हम आप देखेंगे कुछ दिनों में एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि इस विषम परिस्थिति में सब लोग साथ दे रहे हैं और उस समय पर यदि कुछ है ना देशद्रोही की नीति सोच के साथ ऐसे ऐसा करते हैं तो वो अपने को ही नहीं देश को ही नहीं अपने परिवार को और अपने लिए भी घातक सिद्ध होते हैं। जैसे कि मैडम भी कह रही हैं कि परिवार को भी नुकसान होता है, जिसको ले जा रहे हैं उससे मोहल्ले वगैरह सबको नुकसान है। तो मैडम के द्वारा भी कहा गया और डब्ल्यू चैनल के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आप ऐसी अफवाह ना फैलाएँ कि जो पत्रकारिता जगत के लिए भी एक शर्मिंदगी महसूस हो।